जय श्री महाकाल आदेश। एक साधक द्वारा, दो साधकों द्वारा और संसार में जाने कितने साधक हैं जो एक ही शक्ति को इष्ट बनाते हैं, और वो शक्ति सभी पर कृपा करती है। ध्यान के माध्यम से एक ही वक्त में कई साधक उनका आवाहन करते हैं, तो शक्ति कैसे उन सभी के उत्तर देती है? तो सबसे बड़ी बात एक है कि शक्ति शक्ति है, कोई व्यक्ति नहीं है, उसका एक व्यक्तित्व तो नहीं है भाई। दैवीय शक्तियों को अगर आप मानते हैं कि दैवीय शक्ति ऐसा कर सकती हैं और इत्र योनि की शक्तियां नहीं कर सकती हैं, तो इत्र योनि की शक्ति अपने आप में एक है। लेकिन जैसे ब्रह्मदेव की बात आई तो वो एक ब्राह्मण की आत्मा नहीं है, कई ऐसे ब्राह्मण हैं जो सात्विक हैं और पूरे जीवन भक्ति पूजा पाठ की और किसी कारणवश वो रुक गए। जो कोई साधक है जो ब्रह्मदेव को इष्ट के रूप में पूजता है, तो वो एक ब्रह्मदेव को किए है, दूसरा अपना इष्ट बनाए है, वो दूसरे ब्रह्मदेव हैं, लेकिन उनकी श्रेणी एक ही है, ब्रह्मदेव। ऐसे ही कालका है, ऐसे ही अघोरी है, ऐसे ही मसान है। मसान एक नहीं है, मसान कई है। कौन सा साधक किसको सिद्ध किए है ये उसके ऊपर है। एक तपस्वी थे, बहुत तपस्या की उन्होंने, तपस्या करते रहे। जब अंतिम समय आया तो एक वृक्ष के नीचे वो लेटे हुए थे, तो अंतिम समय में उन्होंने ऐसी नजरें उठा के ऊपर देखा तो एक फल लगा हुआ था, बड़ा सुंदर फल था, पका हुआ। अंतिम क्षणों में उनकी इच्छा उस फल को खाने की हुई, लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता है। समय हुआ, उनकी आत्मा ने उनका शरीर छोड़ दिया, लेकिन वो इच्छा अतृप्त रही। और जब वो इच्छा अतृप्त रह गई तो उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। भले वो कितने ही बड़े तपस्वी थे, पूरे जीवन तपस्या की थी, उनकी पात्रता थी मुक्ति के लिए, उनके अंदर पात्रता थी, लेकिन वो उस अतृप्तता की वजह से वो फंस गए। और जब वो फंस गए तो दो कारण होते हैं, या तो वो अतृप्त होकर वो भटकता है, या उस अतृप्तता की पूर्ति के लिए वो जन्म लेता है। तो उन्होंने जन्म लिया कीड़े के रूप में, एक ऐसे फल में वो कीड़े के रूप में रहे। कीड़े के रूप में उन्होंने फल खाया, जब पूरा जीवन हो गया उस कीड़े का, तब वो मुक्त हुए और मोक्ष को प्राप्त हुए। लेकिन दूसरा कारण एक और होता है, ये फल वाली बात हो गई। कई ऐसे कारण होते हैं जो फल से अलग हैं, वो खाने का विषय था, ये कुछ करने का विषय था। तो ऐसे कुछ अधूरे कारण छूट जाते हैं तो वो आत्माएं फंस जाती हैं, ना वो मुक्त होती हैं ना वो नर्क में जाती हैं, वो एक बीच के कोण में फंस जाती हैं। और जब वो बीच के कोण में फंस जाती हैं तो शक्तिशाली और शक्ति अर्जित और ओरा प्रचंड होने के कारण, और मंत्रों का जाप का एक पुंज होने के कारण वो स्वयं में शक्तिशाली होते हैं। और जब शक्तिशाली होते हैं तो जो सही होते हैं वो जन कल्याण करते हैं, और नहीं तो लोगों को परेशान भी करते हैं। तो एक ही शक्ति एक ही समय में कई साधकों को दर्शन दे सकती है, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति का व्यक्तित्व तो एक में बंधा होता है, लेकिन शक्तियों का व्यक्तित्व तो एक में नहीं बंधा होता। आपने रामचरितमानस की एक चौपाई सुनी होगी, पल में सबय मिले भगवाना,
उमा मरम यह काऊ न जाना। भगवान शिव जी माँ पार्वती जी को बता रहे थे कि जब वो लंका से विजयी होकर लौटे तो हर व्यक्ति की अभिलाषा थी अयोध्या में कि वो प्रभु राम से सबसे पहले मिले। तो सभी से मिलने के लिए उन्होंने उसी क्षण पल में उसी पल में हर व्यक्ति से मिले थे राम। तो वो शक्ति है, वो मिल सकते हैं, वो अपने व्यक्तित्व को विभक्त कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति पंच तत्वों से बना हुआ है। अगर वो एक ही एलिमेंट या एक ही तत्व को वो अलग कर देगा तो उसका जीवन नष्ट हो जाएगा, जीवन नहीं शरीर नष्ट हो जाएगा उसका। वही व्यक्ति और शक्ति में यही अंतर है। व्यक्ति भावनात्मक होता है, वो अंदाजे लगाता है, लेकिन शक्तियां अंदाजे नहीं लगाती। तो यही सारी चीजें हैं कि शक्तियां किसी बंदिश में नहीं होती हैं, वो एक ही क्षण में अपने हर साधक से मिल सकती हैं। ये प्रश्न आया था आपका कमेंट में, जो कि दो शब्दों में उसे समझाया नहीं जा सकता था। तो इत्र योनि की शक्तियां भी अपने रूपों को विभक्त कर सकती हैं, क्योंकि उनके लिए दूरी विषय है ही नहीं। एक साधक है 500 किलोमीटर दूर, दूसरा साधक है 500 किलोमीटर दूर, और दोनों अगर एक क्षण का भी अंतर करते हैं तो दोनों को हो सकती हैं, उनके प्रश्नों के हिसाब से उत्तर दे सकती हैं। तो फिर दैवीय शक्तियों की तो बात ही अलग है। तो आज का विषय इतना ही था, एक चर्चा थी और ये प्रश्न था। तो आपको ये चर्चा कैसी लगी? अगर आप किसी भी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो Qualifor ऐप के माध्यम से आप कॉल कर सकते हैं, और स्क्रीन पर जो नंबर है उससे आप व्हाट्सएप और कॉल दोनों कर सकते हैं। जय श्री महाकाल। आदेश।